गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? और घड़ी में बज चुकी है 9 और हम अभी उठे हैं। तो मैंने रख दी है चाय बनानी, दाल मैंने रात को भिगो दी थी, तो आज बनाएंगे दाल और चावल। और अभी धो दूंगी मैं दाल को, और बच्चे मेरे सोए हुए हैं, चाय बन जाएगी तो मैं उनको जगा दूंगी तो उठ जाएंगे। तो बने रहिए गाइस मेरे ब्लॉग में। तो पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद करते हैं काम की शुरुआत। तो दाल मैंने ये धो ली है, मैं चने की दाल ज़्यादा यूज करती हूँ और दाल में कोई खाती नहीं हूँ। दाल मैंने धो ली है और हरी मिर्ची प्याज मैंने काट लिए हैं। चाय मेरी बन के तैयार हो गई है, चाय पियेंगे। और तेल मैंने चढ़ा दिया है दाल चमकने के लिए, अभी बच्चों को उठा देते हैं। तो चलिए, मेरा तेल गर्म होता है इतने। ये देखिए, अभी तक दोनों भाई सोए हुए हैं, उठने का नाम ही नहीं है। खड़े आ जाओ, हेलो, उठ जाओ जल्दी से, चाय ठंडी हो रही है। तो चाय पी लेते हैं गाइस, आपको पीनी है तो आ जाए। तो गाइस हम नहा धो के हो गए रेडी, कैसे लग रहे हैं? और ये देखिए, धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई, बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकाली आज सुबह से ही। तो मैंने देखिए गाइस, कपड़े उपड़े सब धो दिए हैं, आंगन वगैरह सब धो दिया है, क्योंकि कल ऑफिस जाना है तो फिर समय मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने आंगन भी धो दिया है, बाहर अंदर सब जगह से। ये देखिए, पूरा आंगन धो दिया है, ये बाइक भी धो दी थी, बाहर खड़ी थी, दीवार वगैरह सब धो दिया है मैंने, ऊपर से भी धोया है, नीचे ऊपर दोनों जगह पोछा मार दिया है। अभी नहा रहा है छोटे वाला, पानी गर्म हो चुका है नहाने का। तो ये देखिए, यहाँ पे सब यहीं पे होता है, और ये यहाँ पे टिकट काटते हैं दोनों के, एक जने की 50 रुपये। ये बग्गी है गाइस, यहाँ पे अपन घूम सकते हैं, तंगा है ये देखिए, घूम सकते हैं गाइस इस पे, टिकट का पता नहीं, पर फिर कभी आएंगे तब ज़रूर घूमेंगे। जो घोड़े की ब्रीड है, यहाँ से बिठा के ले जाएंगे, वो दिखा के वापस यहाँ ला के छोड़ेंगे। ये देखिए गाइस, कितने सुंदर सुंदर रास्ता है, एकदम से हरा भरा, झंडे लगे हुए हैं कलरफुल। घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पे, इधर ही है क्या? देख रहे, घोड़ा सवारी कर रहे हैं, और ये देखिए गाइस, एकदम से ब्लैक घोड़ा, ये देखिए कितना सुंदर खड़ा कर रखा है, और बहुत सुंदर गाइस, बहुत सुंदर। ये देखिए गाइस, कितना हरा भरा है, और एकदम से लगा है देखिए घोड़े का, एकदम से ब्लैक। और यहाँ घोड़ा सवारी भी सिखाई जाती है, अभी तो वो गए हुए हैं घूमने के लिए, और फर्स्ट बार आई हूँ गाइस मैं तो यहाँ पर, मस्त लग रहा है, एकदम से हरा भरा, और देखने में मज़ा आ रहा है, हरा भरा है गाइस।
तो चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ, आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। पर मेरी तो साड़ी पहनी हुई है, तो दोबारा से आऊँगी सलवार सूट पहन के, तो घोड़ा सवार ज़रूर करूँगी मैं गाइस। अच्छा लग रहा है, देखिए मज़ा आएगा एकदम से घोड़ा सवार करने को। ये देखिए लेडीज और बच्चा दोनों एक साथ कर रहे हैं घोड़ा सवारी, और घोड़े वाला साथ है तो डर ही नहीं लगेगा। तो एक दिन पक्का आएंगे गाइस हम तो, मुझे पता नहीं था फर्स्ट बार आई हूँ, नहीं तो हमने सलवार सूट ही पहन के आती। इतनी सुंदर तो रोड बनी हुई है, और इधर भी हरा भरा है, इधर भी हरा भरा है, तो आगे है तो आगे दिखाऊंगी आपको। आइए मेरे साथ चलते रहिए, आपको भी मज़ा आएगा। और देखिए गाइस झूले भी हैं यहाँ पे, ये रहे बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे खुद के खेत में आ गई है। तो ये देखिए ऊँटों के खतर और शायद घोड़ों के लिए ये है, मेरे हिसाब से तो ये चारा है, और ऊँट भी काफ़ी हैं, घोड़े भी हैं। और ये देखिए ये शायद यहाँ पे रहते हैं, फूल भी कितने मस्त मस्त खिले हुए हैं, देखिए अंदर गेट के पास में ही कितने मस्त कुछ तेजी बोल रहे। ये देखिए एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, ब्लैक और वाइट अंदर खड़ा है, देखो एक एक को रखते हैं क्या। ये देखिए गाइस कितना सुंदर वाइट घोड़ा, मस्त लग रहा है, देखिए अंदर से ऐसे दिख जाएगा। ये देखिए गाइस वाइट घोड़ा, ये देखिए गाइस खच्चर इतनी तेज बोल रहा था, मेरे को वहीं पे सुनाई दे गई इसकी आवाज, कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। और ये देखिए घूम रहा है आराम से, मेरे को तो डर लग रहा है इसका। ये देखिए गाइस ये मारवाड़ी घोड़ा बता रहे हैं भैया, और काफ़ी साफ सफाई भी काफ़ी है, देख देख भी अच्छे से कर रखी है इनकी। ये देखिए गधा भी है इनके पास तो। देखिए गाइस सबके अलग अलग घर हैं, इनका अलग है, उनका अलग है, सबका अलग अलग घर रखा है इन्होंने, अंदर ही पानी अंदर ही खाना पीना भी अंदर ही है, और रहना सहना भी अंदर ही है। देखिए लेके आना था, अगली बार आने लेके आएंगे चने, सुनते हैं चने खाते हैं घोड़े। तो देखिए अलग अलग इनका बना रखा है खर्चा, पानी पीने का सबका। तोते तो काफी हैं देखिए, तो ये देखिए गाइस छोटे गड्ढे तो वो होते हैं, और ये देखिए कितने बड़े हैं, इसको शायद खच्चर बोलते हैं, अध बीच वाला, जैसे एक तो होता है घोड़ी और एक होता है गधा, उसके बीच वाले ये खच्चर लग रहे हैं मेरे को, देखिए काफी हैं। तो बहुत दूर मैका फैला हुआ है गाइस, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, अब पता नहीं कहाँ कहाँ तक है, कौन सी चीज देखने है कौन सी नहीं पता नहीं। ये देखिए बहुत सारे हैं, इनके अलग अलग खाचे बनाए हुए हैं खाने पीने के। ये देखिए बहुत दूर तक फैला हुआ है इनका एरिया तो। और ये देखिए राजस्थानी घोड़ियाँ, इसको राजस्थानी घोड़ी बोलते हैं, ऐसा नहीं है गंदगी है, बिल्कुल साफ सुथरा है, और ये भी नहीं है कमजोर है, ये भी सही है। और इस घोड़ी पे तो देखिए गाइस आपको भी दिखा होगा नाम भी लिखा हुआ है, और ये देखिए एक दूसरे की खुजली करते हुए, वो उसको खुजली कर रहा है, ये इसको खुजली कर रहा है, आपसरी में देखिए बीच में ये गार्ड। ये देखिए गाइस दोनों आ गए हैं, पर मेरे को डर लगता है क्योंकि मैंने एक बार देखा था बाढ़ पकड़ लिए थे घोड़े ने। तो ये देखिए घोड़ा ब्राउन और ब्लैक काफी सुंदर लग रहे हैं, देखिए ये शायद पानी पी के आए, पानी की आवाज़ आ रही है अंदर, पानी चल रहा है और कुछ
अंदर चले गए पानी पीने के लिए, वो बाहर खड़े हैं। बहुत अच्छे हैं मासूम से। ये देखिए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, एक लाइन में देखिए एक दूसरे के, वो भी पीछे से आ रहे हैं एक साथ, पता नहीं कहाँ जाएंगे। और ये बाहर कुत्ता भी घूम रहा है। और इधर भी देखिए गाइस बहुत सारे घोड़ा हैं। ये देखिए गाइस इसको बताइए आप जानते हैं कि क्या, नहीं जानते हो और क्या बोया हुआ है? मुझे तो गाइस पता है कि ये क्या चीज़ है, आप कमेंट में ज़रूर लिखना ये चीज़ क्या है। और देखिए कितना सुंदर है, मस्त नज़ारा है, कहने बच्चों के नज़ारा। घूमने के लिए गाइस मस्त जगह है, ऐसी खुली जगह है पिकनिक मनाने के लिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये झोपड़ा है गाइस देखिए, खीप का बना हुआ है, राजस्थान में होते ही ऐसे खीप, और ये कच्चे काटे जाते हैं और जैसे इनको डालोगे ना वैसे ही डल जाते हैं, तो इनको कच्चे कच्चे काट के ऐसे पीच देते हैं। ये देखिए झोपड़े की तरह बन गया, तो गर्मियों में भी मज़ा आता है, हवा आती रहती है इनमें से ठंडी ठंडी। ये देखिए गाइस हरे भरे गेहूँ है, ये सरसों और गेहूँ। देखिए गाइस बल्लभ गार्डन में लड़ाई हो चुकी है, किस बात पे हुई है ये हमें भी नहीं पता है। तो गाइस हम तिल लेने गए थे, आ चुके हैं घर पे, तिल लेने गए थे यहीं पे मार्केट है तो वहां से, और वहां हुई थी लड़ाई। तो मैंने गाइस गाजर का बच्चों को जूस बना के दिया है, तो इतने सारे बर्तन हो चुके हैं चाय के जूस के, तो अभी मैं बर्तन साफ करूंगी। तो गाइस मैं यहीं पे करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। अगर गाइस मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें।